नमस्कार, मैं हूं नवीन और आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कविता प्रकाश। नीचे होगा आसमां, तू सूरज की चाह रख, लगेंगे पंख आसमानी, तू उड़ानों की राह रख। विश्राम नहीं तेरा तो जीवन संघर्ष अविराम है, जो आंसू पोंछ दे औरों के तू ही वह राम है। पल भर जलना और बुझ जाना यह तो जुगनू का काम है, जो अखंड जलता है परहित में उसी दीप का सूरज नाम है। अस्त नहीं होता सूरज कभी, फिर तू क्यों सो जाता है? देख पूर्णिमा चांद रश्मियों को क्यों भ्रम से मोह जाता है? जो डूब गया वो पश्चिम में था, तू जाग गहन अमावसी राहों में, बस तू चल अथक, उत्तर होगा पूरब में और सुबह सहलाएगी बाहों में। डगमग हो रही नाव भंवर में, धुंध में नहीं सूझता किनारा, उमंग भरना उस माझी मन में, अगर पतवार का भी न हो सहारा। अपना दीप अपना कोना, निरा चिन्ह है पशुता का होना। पर ही तेल पर दिया और बाती, है अंश मनुजता का होना। पड़ोस की अंधियारी छाया यदि झांकती लाचार झरोखों से, जगमग को और जगा लो बलि देकर कर्ण मशालों से। जलते दीप ही प्रकाश देते, बुझे हुओं की बिसात कहां, सजीव फूल ही सुगंध करते, मुरझायों के वश की बात कहां। राम के वापस आने पर अयोध्या के चेहरे दीप से जले हैं, भरत भाई भी खिल उठे हैं, भाई का आना भाई को आज न खले है। जब राम वनवास से आते हैं, खड़ाऊं सिंहासन पर पाते हैं, दशरथ मुक्ति पा जाते हैं, भरत रिश्तों की मशाल जला जाते हैं। दशरथ मुक्ति पा जाते हैं, भरत रिश्तों की मशाल जला जाते हैं। तो ये थी कविता प्रकाश। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।